सब झूठ बोल के सरकार बनानी चाहते हैं। लोग बहुत सियाने हो गए हूँ, कोई इदा का कोई झूठे वादे जाएगा नहीं। अकाली दल का कहने मुकाबला ही नहीं है, अकाली दल फुल फ्लैज अपनी सरकार लैके आएगी। पंजाब के हिंदुओं ते पंजाब के सिखां भाईचारा कायम रखा गया कि मानस की जात एक। डिप्टी सीएम एक दलित चेहरा होगा ते डिप्टी सीएम एक हिंदू चेहरा होगा। 2022 दीआं विधानसभा चोणां नूं लै के सियासी पार्टियां ने अपनियां सरगर्मियां तेज़ कर दित्तियां ने। उस तहत श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल वल्लों दो उप मुख्यमंत्रियों का ऐलान किया गया, जिस च उन्हां ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री दलित भाईचारे तो होवेगा ते दूजा उप मुख्यमंत्री हिंदू भाईचारे का होवेगा। सुखबीर बादल वल्लों किए इस ऐलान तो बाद लुधियाणा च अकाली दल पार्टी के सीनियर आगू हरीश राय टांडा वल्लों पार्टी वर्करां ते होर आगुआं समेत श्रोमणी अकाली दल दे इस फैसले का स्वागत किया गया। इस मौके जिथे उन्होंने पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल का धन्यवाद किया, उत्थे इस मौके पर लड्डू भी वंडे। उन्होंने मीडिया के रूबरू होंदे हुए कहा कि अकाली दल ही एक अजिही पार्टी है जो सारे धर्मां का सत्कार करती है और सारयां नूं नाल लैके चलती है। उन्होंने कहा कि 2022 दीआं चोणां विकास के मुद्दे उपर लड़िया जाणगीआं। एडवोकेट टांडा और अकाली आगू बिपन सूद ने होर की कहा, एक बार तुसीं भी सुनो। सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल की जिहड़ी अगां वधू सोच है, सारे भाईचारियां नूं नाल लैके जांदी सोच है। गुरु नानक देव तो लैके गुरु ग्रंथ साहिब तक जो सेध दित्ती गई है कि मानस की जात एक पहचानबो, इत्थे ना जात ना पात ना मजहब, जो हरिमंदर साहब के चार दरवाजे इस गल के प्रतीक हैं कि इत्थे कोई भी बंदा बिना झिझक आ सकता है। उस नूं अगे वधांदे होए ये गल का फैसला करना कि पंजाब दे विच जे श्रोमणी अकाली दल नूं सत्ता हासिल हुंदी है तो उहदे विच डिप्टी सीएम एक दलित चेहरा होगा ते डिप्टी सीएम एक हिंदू चेहरा होगा। अज तक पंजाब दे इतिहास दे विच कदे कोई डिप्टी सीएम हिंदू या दलित नहीं होया, ते एक विश्वास देना मैनू यकीन है कि विश्वास पूरा होगा। देखो वजह एक बहुत बड़ी, जम्मू कश्मीर दे विच कांग्रेस दे राज दे चलदे हिंदुओं नूं कश्मीरी पंडतों नूं कश्मीर दे विचों बाहर कढ़िया गया, अज तक घर नहीं मिलिया। जब पंजाब दे विच हालात खराब होए उस समय भी सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अटल बिहारी वाजपेयी जी दे नाल सांझ पा के पंजाब दे हिंदुओं नूं ते पंजाब दे सिखां नूं भाईचारा कायम रखिया गया। अज भी असीं उह सूबा जिस सूबे दे विच 32-33% दलित होण, 32-33% माइनोरिटीज़ दूजियां ओबीसी होण, ते हिंदू पंजाब दा इतिहास है कि हिंदुस्तान दा दूजा सूबा जिहदे च हिंदू माइनोरिटी च उन्हां नूं अपने नाल तोरन दा नाल रखन दा गले लगाण दा जिहड़ा उपराला कीता है ये बहुत शलाघायोग है। असीं कोटन कोटन धन्नवाद करदे हैं सरदार सुखबीर बादल दा। टांडा साहब किहनूं मानदे हो, किहदे नाल अकाली दल दी लड़ाई है? अकाली दल दी लड़ाई समूह पंजाब दे लोगों का भविख सुरक्षित करन दी लड़ाई है। साडी लड़ाई ये लड़ाई है कि गरीबों का अन्न खाधा ना जाए जिमें खाधा गया पेंडेमिक दे विच। साडी लड़ाई है कि पंजाब दे विच विकास किया जाए, विकास करन वालियां राज चाहिए हैं। साडी लड़ाई है कि लारे लाण वालियां सरकारां ना आन। साडी लड़ाई है वो शक्तियां जिहड़ियां अतवाद पंजाब च फैलाना चाहन, पिछली इलैक्शन तो पहला जिहड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होए, जिस किस्म का माहौल पैदा किया, पंजाब का भाईचारा खत्म करने लिए एक साजिश तहत एक बेअदबियां का माहौल पैदा किया। साडी लड़ाई वो शक्तियां दे नाल है, साडी लड़ाई वो शक्तियां दे नाल है जिहड़े पंजाब के भाईचारे ते अमन पंजाब का खत्म करके अपना राज भाग ते अपनियां रोटियां सेकना चाहनी है। साडी लड़ाई उन्हां नाल है, साडी लड़ाई वो बंदियां नाल है जिहड़े बंदे कदे तां सोनिया नूं गालां कढ़दे सी, कदे मोदी नूं गालां कढ़दे सी, कदे शलोके कैप्टन दे गांदे हैं,
ट्विटर कर कर बस कराती कैप्टन नू गाला कढ़न वाले ओ बंदियां दे नाल साडी लड़ाई है, झूठ बोलन वालियां दे नाल लड़ाई है। जिहड़ी मंत्री हुंदे होए अज तक नहीं बोले, अज हुण 6 महीने पहला भोरे चो निकल के जे सिद्धू वर्गे लोग पंजाब जाणगे नटंकी, साडी लड़ाई उहनां दे नाल है। साडी लड़ाई केजरीवाल नाल भी है जिहड़ा झूठ तूफान बोलदा है, जिहड़ा पंजाब दे उत्ते दिल्ली वालियां दा राज पैदा करना चाहुंदा है। साडी लड़ाई उहनां दे नाल भी है। साडी लड़ाई इमानदार दी लड़ाई है। साडी लड़ाई पंजाब नूं अमन शांति च लिजाण दी लड़ाई है। पंजाब दे विच तरक्की करन दी लड़ाई है। गरीबां नूं शिक्षा मिले, गरीबां नूं सिहत सेवावां मिलन, साडी इह लड़ाई है। असीं अगां वधू सोच लै के आना चाहुंदे हां। साडी निजी लड़ाई किसे नाल नहीं। जिथे हरेक नूं नौकरियां प्रदान होण, जिथे महिला सुरक्षित होवे, जिथे पुलिस वाले जनता दे ताबे होण, सियासी लोगों के ताबे ना होण, असी वह लड़ाई लड़नी चाहते हैं। जिथे मंत्री की घरवाली सिर चढ़ के रौला पा के ना बोलती होवे, असी वह चाहते हैं। जिथे हलीमी होवे, जिथे लोगों नू नाल लेके चलिया जावे, हरेक वर्ग का दुख सुख देखने वाला पंजाब होवे, साडी लड़ाई आ लड़ाई। दो डिप्टी सीएम बनाने हैं, जड़ा कि एक हिंदू समाज तो भी होएगा, एक दलित समाज तो होएगा। बड़ी खुशी की गल है, जड़े सारे भाईचारे नाल लैके अकाली दल चल रहे हैं, बहुत वड़ा उपराला है। बहुत सारे समाज से साढ़े हिंदू समाज भी बहुत खुशी लै रहा है भी जो ये एडा वड़ा ऐलान किया गया। सर अकाली दल बाई दे विच किस पार्टी में विरोधी धिर मान रहे, किस दे नाल लड़ाई है? अकाली दल का कहना मुकाबला ही नहीं है। अकाली दल फुल फ्लैज अपनी सरकार लैके आएगी और बहुमत ना लैके आएगी, किसी ना कोई मुकाबला नहीं। विरोधी धिर जो आऊगी सामने तो देखा, साढ़े लिए तो कोई विरोधी है ही नहीं। अच्छा फुल फ्लैज पार्टी लैके आवेंगे, सरकार बनावे। सारे समाज को लैके, पूरे भाईचारे लैके, प्रधान सुखबीर सिंह बादल जी सारे नाल लैके चल रहे हैं और 117 सीटों से लड़ के बहुमत लैके आवेंगे, 100% सरकार बनावे। जड़े पिछले 10 साल डिवेलपमेंट के मुद्दे तुम देखे कांग्रेस सरकार तो जो जो वादे किए, हर वादा पूरा किया। एक वादा दसो जो सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह जी बादल की सरकार दे विच कोई अधूरा रहा होवे। हुण जड़े झूठे वादे किए है, 4.5 साल बीत गए, को आम आदमी पार्टी 300 यूनिट लियाने कितों है? सब झूठ बोल के सरकारां बनानी जांदे आ। लोग बहुत सियाने हो गए, हुण कोई इदां दा कोई झूठे वादे जाएगा नहीं। जिन्नियां भी पार्टियां ने वादे करदे आ, पर सिक्ख्या दे वल किसे दा भी ध्यान नहीं जा रहा। तुहानू याद होएगा प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार दे विच सिक्ख्या लई, मैडिकल लई, हर चीज़ लई सुविधा दित्ती गई। उही चीज़ों जड़ियाँ कोई माड़ी मोटी कमियाँ वह भी दूर करके हर चीज़ की सुविधा दित्ती जाएगी, हर बंदे तक पहुँच होएगी। ठीक है, धन्यवाद। जय।